नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता सेवा एक्सप्रेस मध्य प्रदेश के शाहगढ़ जिले की शाहगढ़ नगर परिषद के सभा कक्ष में आज परिषद के सहायक राजस्व निरीक्षक मुन्नालाल जैन का सेवानिवृत्त बधाई समारोह में शामिल होने वाला हर शख्स कह रहा था कि नौकरी करो तो मुन्नालाल जैसी, जिन्होंने अपनी पूरी सर्विस में सच्ची जनता सेवा करके निर्धारित समय से पहले आना और समय समाप्ति के बाद भी ऑफिस का कार्य निपटा कर घर जाना। इसके अलावा उनकी सर्विस के दौरान के अनेक ऐसे उदाहरण रहे जो आज उनके बधाई समारोह में उनके साथी कर्मचारियों से जनप्रतिनिधियों ने व्यक्त किए। बधाई समारोह बंडा विधायक वीरेंद्र सिंह लम्बरदार के मुख्य आतिथ्य में मनाया गया। वहीं आज उनका जन्म दिवस होने पर विधायक वीरेंद्र सिंह लम्बरदार ने केक काट कर उन्हें शुभकामनाएं दी। हमारे श्री मुन्नालाल जी जैन सहायक राजस्व निरीक्षक के सेवानिवृत्त अवसर पर अपने शासकीय सेवा में 38 वर्ष तक सेवा की, नगर की सेवा की, प्रदेश में आपने सेवा की होगी, अन्य जगहों पे भी रहे होंगे। मुन्नालाल जी जैन, जैन समाज वैसे ही एक ऐसी समाज है जो सहज सरल और दूसरों को सीखने के लिए हम लोगों को जैन समाज से कई अवसर आते। आपको धन्यवाद करता हूँ, आपने बच्चों को भी आपके वही संस्कार दिए होंगे जरूर, निश्चित ही। तो मैं भगवान से आशा करता हूँ आपका जो आने वाला समय है वो आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, दीर्घायु हों, और जो आपने अभी शासकीय सेवा में रहते काम किए, समाज की सेवा, धर्म की सेवा में आप आगे वाला समय आप लगाएं, जरा सब स्वस्थ रहें। हाँ, जन्मदिन भी है जैन साहब का, ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं, धन्यवाद। उपाध्यक्ष महोदय, समस्त पार्षदगण, हमारे समस्त रिश्तेदार भाइयों, समस्त कर्मचारी भाइयों, सबसे ये मेरा निवेदन है कि अपना कार्य अपना लगन से, ईमानदारी से और समय से करें। यही सबसे कि जब किसी की अर्धवार्षिकी पूर्ण हो जाती है तो अर्धवार्षिकी पूर्ण करने के बाद में उसका रिटायरमेंट होना तय हो जाता है। लेकिन मैं मुन्नालाल जैन के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि श्री मुन्नालाल जैन सहायक राजस्व निरीक्षक, इनकी पहली नियुक्ति जिला टीकमगढ़ के परेरा में हुई थी और इनकी नियुक्ति 16/6/1986 को हुई थी। उसके बाद 10/11/87 को आपने अपनी ज्वाइनिंग सायरा नगर पंचायत में दी। और आप ही हमारा ने मतलब मार्गदर्शन, हमेशा अच्छा मार्गदर्शन दिया, धन्यवाद। मैं 2014 से नगर पंचायत से जुड़ा हूँ और जब भी मैंने मुन्नालाल को कोई बात की कही है तो उसने कोई चीज की मनी नहीं कही है, मेरे लिए ठहर नहीं है कि आज मैं व्यस्त हुए हूँ कि कहीं जा रहे आप, तो उसके लिए काल होना था तो तत्काल काम किया है और उनको भगवान खुश रखे सारी जिंदगी तक। सब लोगों ने बोला है, सबको सुन के मुझे लग रहा है कि हमारे सर जी का नगर परिषद में बहुत बड़ा योगदान रहा होगा। इसी की मैं कामना करता हूँ आगे जीवन में सफल और स्वच्छ रहें, धन्यवाद। की खुशी इस बात की कि इन्होंने अपनी जितनी भी जॉब है अच्छे से कुशलता पूर्वक इन्होंने की और पूरे अच्छे से उनकी जितनी भी जॉब हुई है बिना किसी आरोप के, बिना कोई शिकायतों के, सबसे अच्छे से पूर्ण हुई है।
मुन्नालाल जी हमारे जो बीच में आए हैं, इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे आप सभी ने कहा, हमेशा टाइम पे आना, कोई भी अपना काम है उसी दिन निपटाना, और पूरी ईमानदारी पूर्वक और पूरी निष्ठा से अपना जो काम है वो करते हैं, जो हम सब कर्मचारियों को ये सीखने योग्य बात है। और आप हम सभी को अपना मार्गदर्शन, अपना आशीर्वाद देते रहे ताकि हमारी नगर परिषद ऐसे ही आगे अच्छे से चलती रहे और हमेशा अपना आशीर्वाद और सहयोग बनाए रखे। कल जो काम है उसको आज किस तरीके से निपटाना है, कल पे सर ने कभी अपना काम कल के लिए नहीं टाला, जो कल काम होना है उसको आज ही के आज निपटाया है, ये चीज भी मैंने सर से सीखा है। ये मतलब नौकरी में बहुत महत्वपूर्ण चीज होता है समय से हर काम को करना, क्योंकि आज की नौकरी ऐसी है कि आप आज के काम को कल नहीं टालोगे तब तो अच्छा चलता रहेगा, लेकिन आजकल कंप्यूटर के युग में आप सोचो कि हम आज के काम को एक हफ्ते बाद में करेंगे तो वो चलने वाला नहीं है। तो मैं सभी कर्मचारी बंधुओं से आग्रह करूंगी कि सर से ये गुण जरूर सीखें, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में उसका काम ही उसका पहचान देता है। इन्होंने ये वास्तव में एक इनके पहचान रही है, इस यह साहेगढ़ नगर परिषद को एक खेद भी है इसका कि साहेगढ़ ऑफिस में नगर परिषद में प्रतिदिन 10:30 बजे समय पर उपस्थित होना और 5:30 के बाद ही ऑफिस से जाना, ये इनकी पहचान रही है। ये इनकी पूर्ति मैं तो चाहूंगा हर व्यक्ति को इनसे सीख लेना चाहिए कि आदमी का इतना प्रेम रहना चाहिए। जेपीसी एग्जाम के लिए मैं 100 किलोमीटर दूर से आया हूँ। कहते हैं दूर हुए तो क्या हुए, दिल से तो करीब है, इस प्रकार रहना चाहिए आदमी के लिए। और अपने काम में इतनी मेहनत करना चाहिए, इतना कर्म करना चाहिए कि कोई अपने लिए नीचा ना दिखाए। कहते हैं मंजिल मिले या न मिले, मंजिल मिले न मिले ये मुकद्दर की बात है, और कोशिश न करें तो ये बड़ी बुरी बात है। समय का पाबंदी एवं काम करने की शैली ऐसी है कि जो कल करना चाहिए उसको आज करके ही वो निकल जाते थे। जैन साहब का साथ हमेशा हम लोगों के साथ बना रहा है, और मैं भविष्य में कामना भी करता हूँ कि कभी हमें जरूरत पड़े जैन सर की तो हमारे सर पे हाथ रखे रहे। फिकर बहुत है, मार डालती है दुनिया कब की हमें, लेकिन एक पिता का असर बहुत है। इसी दुनिया में एक सहारे को देखा है, इस बात की भीड़ में मैंने अपने पिता को देखा है, दिन रात एक करके अपने परिवार को पालते देखा है। इन टूटे घरों की बुनियाद को देखा है। कार्यक्रम का संचालन श्रीमती स्वस्ति कुजूर ने किया। इस दौरान परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पार्षदों सहित गणमान्य नागरिक व स्टाफ के कर्मचारी गण सहित उनके परिजन भी उपस्थित रहे।